नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। कटनी में पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया की दिशा निर्देश तथा नगर पुलिस अधीक्षक हयाती मिश्रा के मार्गदर्शन में पुलिस टीम माधवनगर थाना क्षेत्र की समदड़िया कॉलोनी में हुई चार चोरियों का खुलासा किया है। पुलिस ने एक महिला सहित आधा दर्जन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 10 लाख का माल भी बरामद किया। चोरियों का पर्दाफाश करने को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने बताया कि सन 2023 से 24 में समदड़िया कॉलोनी निवासी रमेश गुप्ता, अरुण जसवानी, पंडित सिंघई और सुनील आहूजा के घरों में चार अलग अलग घटनाओं में अज्ञात बदमाशों ने सोने चांदी के जेवरात और नकदी सहित लाखों का सामान पार कर दिया था। सभी घटनाओं में अपराध कायम कर वारदात में शामिल आरोपियों की पतासाजी के लिए अलग अलग पुलिस टीमों को लगाया गया था, जिन्हें सफलता मिली और पुलिस टीमों ने वारदात में शामिल एक महिला, 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से एक जोड़ी सोने का झुमका, एक सोने की चेन, सोने की बाली और अंगूठी, 5 जोड़ी चांदी की पायल, 4 घड़ियां, 5 जोड़ी चांदी की बिछिया, 4 चांदी की अंगूठी, 4 सोने का मंगलसूत्र, 1 मोटरसाइकिल, 1 ऑटो और 2 मोबाइल फोन सहित लगभग 10 लाख रुपए कीमती सामान बरामद किया। राजेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2023-2024 के दरमियान माधवनगर थाना अंतर्गत समदड़िया कॉलोनी में चोरी की 4 घटनाएं हुई थी और पुलिस लगातार इस संबंध में हम लोग जो है पूरी टीम हमारी लगातार प्रयासरत थी। लगातार हम लोग अपराधियों के बारे में पूछताछ कर रहे थे, मुख्य रूप से सूचनाएं जुटाई जा रही थी और संदेह के आधार पर हम लोगों ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया था और उनसे पूछताछ करने के उपरांत यह हमें जानकारी प्राप्त हुई कि इस चोरी की घटना में कुल मिलाकर के 6 लोग इसमें शामिल हैं और इन 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से लगभग 10 लाख रुपये का मशरूका, 10 लाख रुपये की चोरी की गई सामग्री को हमने बरामद किया है। और इस पूरे खुलासे में हमारे माइक 2 संतोष डेहरिया, माइक 3 ख्याति मिश्रा, थाना प्रभारी माधवनगर अनूप सिंह, थाना प्रभारी रंगनाथ नवीन नामदेव, थाना प्रभारी NKJ नीरज दुबे और साथ ही बिलहरी चौकी प्रभारी गोपाल विश्वकर्मा और इनकी पूरी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं और साथ ही साथ हम लोग अभी और भी प्रयासरत हैं कि इस तरह की और भी जो घटनाएँ जो अभी डी है लेकिन उसमें हम खुलासा नहीं कर पाए हैं उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कटनी शहर के, कटनी जिले के निवासियों को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम लोग तत्पर हैं और हमारा प्रयास निश्चित रूप से सफलता में बदलेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से।